Assalamu alaikum to all my beautiful students. Welcome back to your own platform of journey to MBBS. In previous lecture we studied about flow of urine and we discuss about the structure of nephron. ठीक है, तो आज हम उसी nephron के आसपास की unique blood supply को देखेंगे. ठीक, ये आपको याद हो तो ये क्या है, हमारा Bowman's capsule और ये highly convoluted folded ट्यूब्यूल्स थी हमारी. ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स जिनको हमने क्या कहा है, पीसीटी. ये पीसीटी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है जिसको हमने क्या कहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. इस यू शेप को हमने क्या कहा है, लूप ऑफ हेनले. नीचे की तरफ आ रही है यहाँ से तो इसको हमने कहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे हमने कहा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, एंड वंस अगेन यहाँ पर दोबारा से हाईली कॉन्वोल्यूटेड फोल्ड्स हैं जिसको हमने क्या कहा है, डी सी टी. जो फोल्ड ओपन हो जाती है हमारी कलेक्टिंग डक के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी अटैच होंगी यहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, तो जो ये सवाल आता है पेपर में कि वो कौन सा पार्ट है जो कि नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, तो वो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक. क्योंकि ये किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसमें और भी कई सारे नेफ्रॉन डीसीटी के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, चलिए तो हम इसकी ब्लड सप्लाई को देख लेते हैं. तो जो हार्ट से ब्लड सप्लाई ब्लड जो लेकर आ रही है वो आर्टरी, इसको हमने क्या कहा है, रीनल आर्टरी. जो हार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है किडनी की तरफ, ठीक है, रीनल आर्टरी आगे आके मज़ीद आर्टेरियोल में टूट जाएगी. ठीक है, कितने आर्टेरियोल, 1 मिलियन आर्टेरियोल. क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपके किडनी में जितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है ना उतने ही आर्टेरियोल प्रेजेंट होंगे. 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी, तो फिर 1 मिलियन ही आर्टेरियोल भी प्रेजेंट होंगे आपकी एक किडनी में. ठीक है, तो जितने नेफ्रॉन उतने ही आर्टेरियोल. तो इस आर्टेरियोल को हमने क्या कहा, एफ्रेंट आर्टेरियोल. ठीक है, वो एफ्रेंट आर्टेरियोल यहाँ से आगे आके मज़ीद और कैपिलरीज में टूट गई. ठीक है, और इस डिप्रेशन को यहाँ पे जो कैपिलरीज है इसको हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस. ठीक है, अब यहाँ से जो वापस ब्लड लेके जा रही है उसको हमने क्या कहा, एफ्रेंट आर्टेरियोल. ब्लड लेके जो आर्टेरियोल आ रही है एफ्रेंट है, जो जा रही है ब्लड लेके एफ्रेंट है. ठीक है, अब ये ब्लड लेके जा रहे हैं नर्व. ठीक है, ये मज़ीद और कैपिलरीज में टूट गई है. अब ये पीसीटी के पास है, ये जो हमारी ब्लड सप्लाई है ये पीसीटी के पास है. ठीक है, ये पीसीटी के पास से इसको तो नीचे लूप ऑफ हेनले के पास आना था, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले के पास नहीं जाएगी. ठीक है, और क्यों नहीं जाएगी उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है. ये ब्लड सप्लाई पीसीटी के पास से यहाँ डीसीटी के पास, यहाँ ऊपर आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर से ये दोबारा से रिटर्न नीचे की तरफ आ रही है, लूप ऑफ हेनले की तरफ आ रही है. ठीक है, अब ये जो ब्लड सप्लाई यहाँ से लूप ऑफ हेनले की तरफ आ गई, लेकिन यहाँ से ये जो हमारा ये जो लूप ऑफ हेनले है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है. लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है और जो ब्लड सप्लाई है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है, तो फिर इसी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला है, काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, इसी इनके डायरेक्शन की वजह से. तो यहाँ से ये जो ब्लड सप्लाई है ये डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ जा रही है. ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से ब्लड जो है नीचे की तरफ आ रहा है और जो यहाँ से फिल्ट्रेट है ऊपर की तरफ जा रहा है. जब तक इसके अंदर ये लिक्विड है, जब तक इस नेफ्रॉन के अंदर लिक्विड है वो यूरिन नहीं कहलाएगा, वो फिल्ट्रेट कहलाएगा. चाहे वो पीसीटी के अंदर हो लिक्विड, लूप ऑफ हेनले के अंदर हो, डीसीटी के अंदर हो, यहाँ तक कि जब तक वो कलेक्टिंग डक के अंदर होगा तब भी वो सिर्फ फिल्ट्रेट ही कहलाएगा. जब वो फिल्ट्रेट यहाँ से बाहर आ जाएगा तब जाके वो यूरिन कहलाता है. ठीक है, तो ये जो हमारा फिल्ट्रेट है जो लूप ऑफ हेनले के अंदर मौजूद है वो फिल्ट्रेट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ये जो ब्लड है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो फिल्ट्रेट है नीचे की तरफ आ रहा है. इसी मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होने वाला है. ठीक है, अब ये जो ब्लड सप्लाई है, ये जो नर्व है, ये आगे चली जाएगी
तो क्या ये वासा रेक्टा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और वासा रेक्टा से फिर ये रीनल विन्योल बना लेंगे, फिर रीनल विन्योल से ये रीनल वेन बना लेंगे, और रीनल वेन आपको पता है कि सारी वेन्स कहाँ जाके ओपन होती है, इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है, सारी वेन्स कहाँ जाती है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और वो इन्फीरियर वेना केवा कहाँ जाके ओपन होती है, हमारी राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सर्कुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट आपको पता है कि एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प सप्लाई करती है ना, तो ये एओर्टा से ब्लड आया, ठीक है। एओर्टा से ब्लड आने के बाद वो एओर्टा से ब्लड किस में आ गया, रीनल आर्टरी लेकर आ गई ब्लड, ठीक है। अब रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है कहाँ, किडनी के पास, रीनल आर्टरी इंटर कर गई किडनी में। अब रीनल आर्टरी ने मज़ीद और कितने, रीनल आर्टरी मज़ीद और आर्टरियोल में टूट गई, कितने आर्टरियोल में टूट गई, 1 मिलियन एफ्रन आर्टरियोल में टूट गई। अब ये आर्टरियोल ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर से ये एफ्रन आर्टरियोल बन के बाहर निकल गया, अब ये ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, किडनी से होके ये ब्लड लेके जा रहा है। अब ये एफ्रन जो आर्टरियोल है ये कहाँ चली गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की तरफ, ठीक है, जिसको हमने PCT कहा था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की तरफ से ये चली गई वासा रेक्टा की तरफ, ठीक है, और लूपा फैलने की तरफ, फिर वहाँ से ये चली गई रीनल वेन्यूल्स की तरफ, फिर रीनल वेन्यूल्स से ये रीनल वेन, रीनल वेन से इन्फीरियर वेना केवा और फिर हार्ट तक, ठीक है। अच्छा एक बात, ये जो ब्लड सप्लाई है इसको हमने यूनिक किस लिए कहा, ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस की वजह से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन्स के टाइप्स को, कितनी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स होती है, दो तरह की नेफ्रॉन्स होती है, ठीक है, एक इस तरह की, एक इस तरह की। एक नेफ्रॉन जो होगी वो उसका ये जो लूप ऑफ फेनले है वो छोटा होगा, ठीक है, और जो दूसरी जो नेफ्रॉन होगी उसका जो लूप ऑफ फेनले है वो डीप बिल्कुल मेडुला के अंदर लाए करता है, ठीक है, वो बहुत ही लेंथ इसकी ज़्यादा होगी और वो डीप अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, और कौन से नेफ्रॉन किस काम आते हैं इसको हम पहले देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये PCT है और ये DCT है, ठीक है, ये हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में ही पाए जाएंगे, ये हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में ही पाए जाएंगे, इसका कोई भी डाउट नहीं कि ये मेडुला में होंगे या कुछ और, ये कॉर्टेक्स में ही हमेशा पाए जाएंगे। जो हमने जब स्ट्रक्चर किया था किडनी का, वहाँ पे डॉटेड से अपेरेंस देखी थी आपने, तो वो डॉटेड से अपेरेंस इसकी वजह से होती है, बोमेंस कैप्सूल की वजह से, ठीक है, वो जो डॉटेड अपेरेंस थी जिसको हमने कॉर्टेक्स कहा था वो इनकी वजह से होता है वहाँ पे, ठीक। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो नेफ्रॉन है इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कह दिया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इसको हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स के अंदर इसका लूप ऑफ फेनले आधा कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो हमारे पिरामिड्स हैं मेडुला के अंदर बहुत ही कम प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको नाम ही कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का दे दिया। और ये आपकी किडनी में कितने प्रेजेंट होते हैं, ये 80-85% ये वाले नेफ्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं आपकी किडनी में, ठीक। और ये वाले नेफ्रॉन्स होते किस तरह के, लूप ऑफ फेनले इनका शॉर्ट होता है, नो वासा रेक्टा या वासा रेक्टा बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब इनका ये वासा रेक्टा ही वेल डेवलप नहीं होगा तो फिर ये रोल प्ले ही नहीं कर सकते वाटर की कंसप्शन में, ठीक है। तो इसके लिए ये वासा रेक्टा वगैरह का वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। लेकिन इनकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस दूसरे वालों को हम देख लेते हैं, दूसरे वालों को हमने क्या कहा, जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, मेडुलरी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मेडुला में ज़्यादा लाइक करता है, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये क्या करता है, ये करता है मेजर रोल प्ले करता है वाटर की कंजप्शन में, ठीक है। और ये किस में हेल्प करेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है,
और इसकी जो पीसीटी है वो इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती, वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है। और ये कितने होते हैं आपकी किडनी के अंदर, 15 से 20% तक बस, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल इनका है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म तो होता ही यहाँ पे, ये लूप ऑफ हेनली की वजह से यहाँ पे ही होता है ना, लूप ऑफ हेनले और जो ब्लड सप्लाई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। तो जब ये लूप ऑफ हेनले की लेंथ ही छोटी होगी तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो इसलिए इस वाले नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता ये सब कुछ। अब हम आ जाते हैं कुछ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ, ठीक है। अब हम देख रहे थे इन दोनों को, यूरिया को और यूरिन को, इन दोनों की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ठीक है। हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इन दोनों की। जो यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो होता है लिवर में, ठीक है, वो होता है लिवर में। लिवर के अंदर एक सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट्स, ठीक है। उस सेल और करते कौन से ऑर्गेनिल्स हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये लोग मिलके कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया यूरिया फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, ठीक है। चलिए, तो फिर और इसकी ये जो साइकिल है उसको क्या कहते हैं, इसके जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं क्रैब्स हेंसलेट साइकिल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, या तो यूरिया साइकिल कहते हैं, या क्रैब्स हेंसलेट साइकिल कहते हैं, या फिर ऑर्थनिल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यूरिन को। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होना है, किडनी के अंदर होना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिवर है ये यूरिया साइकिल में जो पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन इस लिवर से कौन सी वेन जुड़ी हुई है, हेपेटिक वेन, ठीक है। हेपेटिक इज़ वर्ड फॉर लिवर, ठीक। इस हेपेटिक वेन का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये सवाल आता है, मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वेन, ठीक। अब हमने कल के लेक्चर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नेट फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे।